कांच के झूमरों पर पड़ती मध्यम रोशनी से जगमग होते ऊंची छतों वाले बड़े बड़े हॉल, खुली खिड़कियों से मलमल के पर्दों को पार करके आती सुगंधित हवा और तबला, पखावज की थाप के बीच थिरकते घुंघरू, कुछ ऐसी ही इमेज हमारे दिमाग में बनती है हम जब भी तवायफ शब्द का नाम सुनते हैं या पढ़ते हैं। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली देवदास के बाद इसी थीम पर अपनी वेब सीरीज हीरा मंडी लेकर हाजिर हैं। असलियत में हीरा मंडी पाकिस्तान के लाहौर का इलाका है जो एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कभी यहाँ तवायफों के कोठे में महफिलें सजा करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीरा मंडी एक और कारोबार के लिए जाना जाता रहा है? कहानी काफ़ी पुरानी है जो मुगलों से लेकर अफगानों, सिखों और फिर अंग्रेजों तक से जुड़ी है। हीरा मंडी का नाम पहले शाही मोहल्ला होता था, जहां तवायफों के बड़े बड़े कोठे हुआ करते थे, जहां राजघरानों के राजकुमार शाही अदब अंदाज की शिक्षा लेने जाते थे। इसके बाद देर सवेर ये उनके आराम और नाच गाना एंजॉय करने का जगह बन गई। फिर अफगानिस्तानियों के अहमद शाह अब्दाली का यहाँ आक्रमण हुआ, अफगान और उज्बेक देशों से लाई औरतों को यहाँ रख दिया गया और इसके बाद शुरू हुआ जिस्म फरोशी का धंधा। लेकिन जब महाराज रणजीत सिंह ने पंजाब स्टेट की नींव डाली, तब इस एरिया की किस्मत पूरी तरह से पलट गई। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में उनके करीबी लोगों में राजा ध्यान सिंह डोगरा का नाम शामिल होता था। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था हीरा सिंह डोगरा, जो बाद में सिख राज के लाहौर एरिया के प्राइम मिनिस्टर बने। साल 1843 से 1844 के बीच अपने करीब 1.2 साल के राज्य में उन्होंने हीरा मंडी को उसका मौजूदा नाम दिया। उस समय इसे फूड ग्रेन्स का थोक बाजार बनाया गया, हिंदी भाषा में बताएं तो अनाज मंडी का इसे नाम दिया गया। पंजाब आज भी देश के सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादक इलाकों में से एक है। उस समय भी ये खेती का गढ़ होता था। महाराजा रणजीत सिंह के कार्यकाल में लाहौर और उससे जुड़े इलाकों का सालाना रिवेन्यू 5 लाख रुपए होता था। अगर इसे आज के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो लाहौर की इकोनॉमी कई हज़ार डॉलर की बैठेगी। सिख राज के ख़त्म होने के बाद ये इलाका ब्रिटिश राज का हिस्सा हो गया। अंग्रेजों ने तवायफों के काम को अलग नज़रिए से देखा और ये इलाका पूरी तरह से अब रेड लाइट एरिया बन चुका है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में इस इलाके को बंद करने की कई कोशिश हुई, लेकिन ये अब भी हज़ारों सेक्स वर्कर की आमदनी का जरिया है। इतना ही नहीं, कोठों के नीचे यहाँ अब भी संगीत इंस्ट्रूमेंट से लेकर खाने पीने का कारोबार खूब होता है। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।